जानते हैं, उनको पता लग गई होगी न्यूज़ देख के। जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जो मुझे गाली बकने आई है कि तुम तो जहर का धंधा करते हो, उनको मैं क्लियर कर दूँ कि भाई वो सिर्फ मैं एक्यूज्ड हूँ, अभी प्रूव नहीं हुआ। तो जिसके मन में भी यह भ्रम है कि मैं मुजरिम हूँ या फिर मैं फरार हूँ या फिर मैं अरेस्टेड हूँ, तो वो सारी चीज़ें झूठी हैं। स्टार्ट मैं इस चीज़ से कर रहा हूँ। एल्विश यादव फिर अपने YouTube ब्लॉग पर आया, खुद को निर्दोष बताया। 14 मिनट के इस वीडियो में एल्विश ने एक ही बात बार बार समझाई, एक ही बात को बार बार कहा कि वो बेगुनाह है, उस पर सिर्फ आरोप लगा है, वो दोषी साबित नहीं हुआ। भाई एक खबर बहुत ज्यादा फैल रही है कि एल्विश यादव को कोटा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, एल्विश यादव भागने की कोशिश कर रहा था और ऐसे ऐसे उसको धर लिया गया। अब नोएडा पुलिस आ रही है और उसको अरेस्ट करके ले जाएगी, कोर्ट में पेश करेंगी, राजस्थान पुलिस ये करेगी वो करेगी, ये चल रहा है वो चल रहा, सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है भाई, चल पड़ी। मैं एल्विश यादव अरेस्टेड यहाँ बैठा हूँ, मैं अरेस्टेड, देखो मेरे हाथों में हथकड़ी, देख लो भाई। एल्विश वीडियो में समझा रहा है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, वो ना तो फरार है ना ही डरा हुआ है, पुलिस भी उसे वांटेड नहीं मानती, तभी तो उसे कोटा पुलिस ने छोड़ा है, नोएडा पुलिस ने डिटेन करने से इनकार किया। 14 मिनट के वीडियो में एल्विश खुद को नॉर्मल दिखा रहा है, अपने एक्सप्रेशन और हाव भाव से खुद को खुश दिखा रहा था, लेकिन राव साहब के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो टेंशन में है, साहब के चेहरे की शाइन चली गई है, बार बार लोकेशन बदलने की थकान साफ चेहरे पर दिख रही है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी नजर आने लगे हैं। एल्विश टेंशन में इसीलिए है क्योंकि एल्विश के खिलाफ FIR कराने वाली NGO के पास एक गवाह है, ये गवाह एल्विश का करीबी है, इसे एल्विश के बारे में सब पता है, जहर के इस धंधे के कितने एक्टर, कितने कैरेक्टर, कितने ब्लॉगर, इसे सब मालूम है। इस गवाह को यह भी पता है कि एल्विश की पार्टी कहां कहां हुई, पार्टी में कौन कौन आया, किसने बुलाया, इस गवाह के पास हर डिटेल है और ये एल्विश का करीबी है। एल्विश यादव को लेकर जहां एक तरफ नोएडा पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ NGO का ये दावा है कि उनके पास कई ऐसे ऑडियो और वीडियो हैं जिससे साफ तौर पर एल्विश यादव के शामिल होने की बात सामने आ रही है। इतना ही नहीं, NGO का ये भी दावा है कि उनके पास एक ऐसा गवाह है जिसे पता है कि पार्टी कब कब हुई और कहां कहां हुई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एल्विश यादव की सफाई पर इस गवाह का बयान भारी पड़ेगा। फिलहाल नोएडा पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है और नोएडा पुलिस का ये कहना है कि अभी इस मामले में कई और तथ्य हैं जिनका सामने आना बाकी है। यही वजह है कि एल्विश बार बार सफाई दे रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि गवाही कौन दे रहा है, गवाही उसे महंगी भी पड़ सकती है। गवाह ने क्या कुछ बताया है ये बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि राव साहब सफाई में क्या क्या कह रहे हैं, खुद को पाक साफ बताने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। 3 दिन में 3 वीडियो रिलीज कर चुके हैं, 72 घंटे में एल्विश 32 मिनट की सफाई दे चुके हैं। पहला वीडियो 3 नवंबर को जारी किया, ये वीडियो 1 मिनट का था। दूसरा वीडियो 4 नवंबर को जारी किया, ये वीडियो 17 मिनट का था। और तीसरा वीडियो 5 नवंबर को सामने आया जो 14 मिनट का है। एल्विश अब तक अपनी सफाई में 32 मिनट का वीडियो बना चुका है, हाथ जोड़ चुका है, योगी आदित्यनाथ से विनती कर चुका है, पुलिस अपना भरोसा जता चुका है, सामने आने और सरेंडर करने की बात भी कर चुका है। मैं तो फोटो भी आ रखी है आज राजस्थान पुलिस के साथ हंसते हुए की, तो मैं खुश था यार उनके साथ बात करके, सारे मेरे को पानी वानी भी पूछ रहे थे, सब चीज अच्छी बातचीत कर रहे थे, ऐसा कोई वो थोड़ी था कि मैं घबरा गया। ओ मैं घबराते वो लोग हैं भाई जो गलत होते हैं, और हमने कुछ गलत नहीं कर रखा इसलिए हम नहीं घबराते, चाहे वो राजस्थान की पुलिस हो चाहे वो कहीं की भी पुलिस हो, अगर वो हमसे किसी टाइप की पूछताछ करती है भाई हम पूरा सहयोग देते हैं और अपना पार्ट रखते हैं। और मेन चीज़ तो ये, उन्होंने भरोसा करके आगे नोएडा पुलिस को भी इतना भरोसा है कि मैं कहीं नहीं फरार हूँ, मैं इधर ही हूँ भाई। 3 दिन में एल्विश ने जो 32 मिनट की सफाई दी है, इन वीडियो फुटेज की टाइमलाइन बनाएंगे तो एक बात क्लियर हो जाएगी कि एल्विश चाहे खुद को कितना भी नॉर्मल दिखा ले, असल में वो परेशान है,
और इस परेशानी की दो बड़ी वजह हैं। एक पीएफए यानी पीपल्स फॉर एनिमल एनजीओ और दूसरा वो गवाह जिसने एल्विश के खिलाफ एनजीओ को सबूत और जानकारी दी। ये वो चेहरा है जिसका अभी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन स्याह चेहरे ने राव साहब के रुके पर सवालिया निशान लगा दिया। इस स्याह चेहरे ने जो कुछ बताया है, जितनी जानकारी मिली है, एनजीओ ने पुलिस को जो भी सबूत दिए हैं, वो सच है या झूठ, इसका पता पुलिस लगाएगी। ये पुलिस का काम है जो पुलिस ही करेगी। एल्विश यादव भी नवभारत ही देख रहा है, उसके फैंस भी नवभारत पर नजर बनाए हुए हैं। एल्विश की हर खबर सबसे पहले हम ही दिखा रहे हैं। वो अपने वीडियोस और हमारे क्लिपिंग सुना रहा है, सवाल उठा रहा है कि मीडिया जानबूझकर मामले को हाइप दे रहा है। में पुलिस भी है। एल्विश यादव ने हालांकि सोशल मीडिया के जरिए सफाई भी दी है, लेकिन अब खबर आ रही है, इन हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भावर, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर नोएडा के आसपास खबर थी कि एल्विश को ढूंढा जा रहा है, क्या वो राजस्थान पहुंच चुके हैं, पुलिस ने घेराबंदी कर रोका, सवाल जवाब हुआ, क्या कुछ अपडेट सुनो कि सुकेत थाना चौकी के इलाके के अंतर्गत इसी तरह की एक नाकाबंदी में, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी तरह की एक नाकाबंदी में उसको रोका गया था। ठीक वैसे ही पूछताछ की गई थी जैसे गाड़ियां रोककर यहां पूछताछ की जा रही है। चलो इनको नहीं से यार, अच्छी खबर सुना इनने, जैसे नॉर्मल गाड़ियों से पूछताछ होती है वैसे ही हुई, अलग से नहीं था कुछ। लेकिन एल्विश की बात करना जरूरी इसलिए क्योंकि ये देश के भविष्य और युवाओं का सवाल है। एनजीओ ने जो एल्विश पर आरोप लगाए हैं, एलिगेशन बहुत सीरियस है। एल्विश इंडिया के लाखों यूथ का रोल मॉडल है, ऑन कैमरा देसी स्वैग और लग्जरी लाइफ दिखाता है। सोशल मीडिया पर एल्विश जो करता है, खुद को जैसा दिखाता है, उसे एल्विश के फैंस उसका सिस्टम बना देते हैं, एल्विश की लाइन को फॉलो करने लगते हैं। इसीलिए एनजीओ के आरोपों को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता, इस पर बात करना जरूरी हो जाता है। एल्विश पर जो सांपों के जहर की स्मगलिंग के आरोप लगे, एनजीओ ने जो रेव पार्टी में सांप और स्नेक वैनम की बात कही, उसके पीछे एनजीओ के पास कई सबूत मौजूद हैं। इसके पीछे की तैयारी बहुत बड़ी थी। एनजीओ करीब 6 महीने से इस केस पर काम कर रहा था। नवभारत पर एनजीओ के मेंबर सौरभ ने दावा किया कि रेव पार्टी और स्नेक वैनम का रैकेट बहुत बड़ा है। ये रैकेट दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा से लेकर मुंबई तक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। इस पूरे रैकेट में एल्विश का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। एल्विश के खिलाफ सबूत के तौर पर एनजीओ के पास सिर्फ एक क्लिप नहीं, एनजीओ के पास ऐसी 6 ऑडियो क्लिप मौजूद हैं, जिनसे एल्विश दोषी साबित होता है। एनजीओ तो यहां तक कह रहा है कि एल्विश और राहुल के बीच डायरेक्ट कनेक्शन है। यहां तक हम इन तक पहुंचे हैं, उन लोगों ने हमें सारी बातें बताई। राहुल का नंबर हमें उनसे मिला। अच्छा, एल्विश से मिला था आपको? जी, एल्विश से नहीं मिला था, बीच की जो कड़ी थी उसने एल्विश यादव से लेकर हमें राहुल का नंबर दिया था। अच्छा, एल्विश से आप लोगों की डायरेक्ट बात हुई थी? मतलब हमारी डायरेक्ट बात एल्विश यादव से नहीं हुई। मैं पहले शुरू से ही ये बात बोल चुका हूँ, मेरी कभी भी कोई बात एल्विश यादव से नहीं हुई, पर जिस कड़ी की बात हुई है उस कड़ी से हमारी डायरेक्ट बात हुई है और उसने हमारे सामने बात करी है। ठीक है, नहीं वो FIR में लिखा है ना कि एल्विश यादव ने ही नंबर दिया था और हाँ, तो हम कब मना कर रहे हैं, मैं कह तो रहा हूँ कि एल्विश यादव ने नंबर दिया था। एनजीओ कह रहा है कि एल्विश अपनी सफाई में जो कह ले, वो कितनी भी सफाई दे, लेकिन एल्विश गुनहगार है और उसके गुनाहों का ऑडियो नहीं बल्कि वीडियो वाला स्टिंग ऑपरेशन भी उनके पास मौजूद है। हमारे पास भी मौके के सारे स्टिंग ऑपरेशन भी हैं, हमारे पास प्रॉपर वीडियोग्राफी है, इस पूरी रेड की के एक एक कदम की वीडियोग्राफी हमारे पास मौजूद है, पूरी वीडियोग्राफी हमने करवाई है इस चीज की। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम कोई कच्चे हैं। दूसरी बात, जो ये ऑडियो एक हमने दी है इसलिए दी है क्योंकि पुलिस का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ रहा था, क्योंकि मीडिया पुलिस पर दबाव डाल रही थी कि कुछ ऐसा दिखाइए जिससे ये प्रूव हो सके कि एल्विश यादव का संबंध है, वरना ऐसी 6 रिकॉर्डिंग है हमारे पास। अच्छा, ठीक है जी, जिन रिकॉर्डिंग के बेस पर ये सारी चीजें क्लियर होती हैं कि इस लड़के का राहुल नाम के लड़के से इन्वॉल्वमेंट है। एनजीओ के मेंबर सौरभ का कहना है कि एल्विश की टीम ने ड्रम में 2 सांप रखे हैं। हमने जब एल्विश के ब्लॉग को सर्च किया तो हमें भी एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें एल्विश यादव और उनकी टीम के कुछ लोग ड्रम में रखे सांप के साथ नजर आते हैं। अरे
ब्लॉग में ये सांप वाला वीडियो दिखाया था, पर ये सांप किसने पकड़ा ये हमें नहीं पता। इस वीडियो को लेकर कोई दावा नहीं कर रहा। एक में इन्होंने ड्रम के अंदर सांपों को भर रखा है, दो सांप ड्रम के अंदर भरे हुए हैं इन्होंने शूटिंग के लिए। अच्छा, अब शूटिंग के लिए ही दिखाएंगे ना, ये थोड़ी ना दिखाएंगे कि हम इनके जहर का यूज करते हैं। क्या कह रहे हैं वो वीडियो के कंटेंट आप देखिए कि ये सारे इनके अंदर किसी में भी जहर नहीं है। अच्छा। यही बात राहुल ने कही है हमें ऑडियोस के अंदर कि सबका जहर निकाला हुआ है मैंने। अच्छा, राहुल ने ये बात आप लोगों से बताई है कि वो जहर का इस्तेमाल पार्टी में होता था, मतलब लोगों के लिए सब चीजें बताई हुई हैं। एल्विश को लेकर पीएफए के मेंबर ने खुलासा किया कि एल्विश बहुत पहले से ही उनके रेडार पर था। यहाँ तक कि एक सांप वाले वीडियो को लेकर उन्होंने अक्टूबर में गुरुग्राम पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन वहां पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद नोएडा में स्टिंग करके उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया। एल्विश बार बार जो वीडियो में खुद को बेकसूर बता रहा है, इसकी वजह यह है कि नोएडा केस में उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो ही असली गुनहगार है और उसका गुनाह गवाह की गवाही और पुराने वाले स्टिंग से साबित हो जाएगा। नहीं, वो तो ये बात कह रहा है कि भाई हमने तो आज तक कभी ऐसी पार्टियां, ऐसी कभी पार्टियों में मैं रहा भी नहीं है, ऐसी कोई पार्टियां मैंने ऑर्गेनाइज भी नहीं कराई। वो तो ये बात कहेगा ही ना, क्योंकि वो इसलिए ये बात कह रहा है। मैं आपको बता देता हूँ वो किस लिए ये बात कह रहा है। वो इसलिए ये बात कह रहा है क्योंकि नोएडा के इस केस में वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था। अच्छा, उसको ये लग रहा है, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस है, वो ठीक है, उसको वो उसका कॉन्फिडेंस अपनी जगह ठीक है। उसको ये लग रहा है कि नोएडा के इस केस में उसने कोई रेप पार्टी करी नहीं थी, अरेंज नहीं करी थी, ठीक है, और उसका इस मामले में डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वेशन है नहीं, ठीक है। जबकि रेप पार्टी तो कोई होनी ही नहीं थी नोएडा में, ये तो हमारी तरफ से जाल बिछाया गया था उन लोगों को बुलाने के लिए। अब सवाल ये कि जब एनजीओ का दावा इतना मजबूत है तो फिर नोएडा पुलिस क्या कर रही है? एल्विश को कल डिटेन क्यों नहीं किया गया? कोटा में एल्विश को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? नोएडा पुलिस ने एल्विश के लिए तीन अलग टीमें बनाई थी। इसके साथ ही अब इस केस के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी भी बनाया गया है। नोएडा पुलिस एल्विश यादव के इस केस को बड़ी संजीदगी के साथ देख रही है। इनपुट है कि अब एल्विश केस की जांच तेज हो गई है, पुलिस एल्विश को बुलाएगी, उससे पूछताछ करेगी। ये बात एल्विश को भी पता है और एल्विश की लीगल टीम को भी। पुलिस किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहती, मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एक स्टेप सोच समझ कर उठा रही है। नोएडा पुलिस अब इस केस में एल्विश के इन्वॉल्वमेंट को लेकर इन्फॉर्मेशन जुटा रही है। सबसे पहले एल्विश के केस से जुड़े होने की बात वेरीफाई होगी, इसके बाद आगे का एक्शन होगा। जिन 5 लोगों को नोएडा पुलिस ने अरेस्ट किया है उन सभी से पूछताछ होगी। पुलिस एल्विश के साथ उसकी टीम के लोगों से बातचीत करेगी, एल्विश के मैनेजर, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मैनेजर और उसके करीबियों से पूछताछ होगी। पुलिस इस केस की एक एक डिटेल, हर छोटी से छोटी बात को चेक कर रही है, एनजीओ के आरोपों को क्रॉस एग्जामिन कर रही है, हर इन्फॉर्मेशन को डबल चेक कर रही है, इनपुट्स की टाइमलाइन बनाई जा रही है, राहुल के फोन की सीडीआर रिपोर्ट निकाली जा रही है, उसे चेक किया जा रहा है, राहुल और एल्विश का कांटेक्ट कब हुआ, दोनों के बीच कहां पहली डील हुई, राहुल और एल्विश के रिलेशन में कॉमन कनेक्शन क्या है, राहुल और एल्विश के बीच और भी कितने किरदार हैं, इसकी भी जांच होगी। दूसरी तरफ एनजीओ इससे आगे की तैयारी कर रहा है, क्योंकि नोएडा स्टिंग में एल्विश का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसे में अगर एल्विश बच जाता है तो भी उसकी मुश्किल कम नहीं होगी। एनजीओ कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। एनजीओ इस बार एल्विश को ऐसे ही जाने देने के मूड में नहीं है। और एल्विश